नमस्कार, विराट 24 न्यूज की तरफ से नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल का पहला दिन जो कि कोहरे की चादर ओढ़े हुए और ठिठुरन भरी सर्दी में नए साल का आगाज हुआ है, तो लोगों ने आलू को भूनकर उसका स्वाद लेकर जश्न मनाया। वहीं लोगों ने नाच गाकर नए साल का जश्न मनाया। वैसे तो हर साल नया साल आता है, नया साल जाता है, लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों में तनाव, डिप्रेशन, अपनापन, प्रेम सब कुछ खोता चला जा रहा है। हर व्यक्ति किसी न किसी की बात को लेकर परेशान रहता है, तो नए साल में हम यही कामना करते हैं कि लोगों में अपनापन, प्रेम, सौहार्द जैसी आज एक तारीख को है, ऐसे ही पूरे साल, पूरी जिंदगी चलता रहे, ऐसी कामना करते हैं। वही ज्योतिष आचार्य सूरज दुबे ने बताया कि यह नववर्ष लोगों के लिए शुभ व फलदायी है। वहीं उन्होंने बताया कि व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि हो, ऐसी हम कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, ओम अरुणकमल संस्था तत्र जापुंजवरलाम कलकमलदतिष्ठा भीतियुगमां भुजाचा मणमुकुटविचित्रा अलंकृता कल्पजालै सकल भुवन माता संततम श्री श्रीयै नः। इस नववर्ष में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आपका जीवन सुखमय, मंगलमय रहे, दीर्घायु रहे। हम आप भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, आप लोगों का जीवन सदैव खुशहाल बना रहे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि में शनि प्रवेश कर गए हैं। 2023 का फलादेश जो रहेगा बहुत अच्छा और बहुत शुभ फलदायी रहेगा, जिससे कि लोगों के कष्ट कटेंगे और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। जो भी व्यक्तिजन, जो भी हमारे प्रियजन हैं, उनके लिए अगर उनके कोई काम नहीं बन रहे हैं तो भगवान शिव पर, भगवान भोले बाबा पर पंचामृत बना करके उसमें केसर डाल करके शिव जी के ऊपर चढ़ाएं और शुद्ध जल से स्नान करवाएं। फिर उसके बाद सफ़ेद चंदन लगाएं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का अभिनंदन और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। जय श्री राधे।